डॉक्टर सुखविंदर कुमार। धन्यवाद स्पीकर साहब। सर जिहड़ा बिल लिया गया जो तुसी आम आदमी पार्टी ने वादा किया चंगी गल है कि मैंबर जिन्नी बारी बारी मर्जी एम एल ए बने उन्होंने पेंशन इको मिलनी चाहिए है। पर सर ये एक प्रॉब्लम है कि जो असी ये पेंशन की गल कर रहे हैं तो जोड़े मौजूदा एम एल ए उन्होंने पी ए उन्होंने 10,000 मिलता जो प्राइवेट ड्राइवर है उन्होंने भी 10,000 उन्होंने 20-25 साल का ही चलिया आता तुम दसो अज कि ड्राइवर तुम 10,000 च मिलता कि पी ए जो 10,000 च मिलता। मेरी ये बेनती है बिश कि उन्होंने भी तुम जो ये शोध कर रहे हो वो भी उन्होंने डी ए वगैरह जो जरूर दियो ता कि वह बेचारा गरीब न भी कुछ ना कुछ मिलता रहे क्योंकि 15-20 साल तो इन्ना ही मिल रहा। दूसरी गल मैं एक गल जरूर कहूँगा कि पिछली विधानसभा के असी अंडेमान निकोबार जाना सी उत्थे जो सारे मैंबर्स ने हाँ करती होया कि जो उन्होंने कहा भी 50,000 रुपया तुम एडवांस दियो तो दो मैंबर इस करके नहीं जा सके कि उन्होंने को 50,000 रुपया अरेंज नहीं हो सकया। अज भी इस विधानसभा के दोनों मैंबर है गया। सर मेरी सीएम साहब बेनती है कि ठीक है किसी को जरूरत होंगी है किसी नहीं जरूरत होंगी। कल तुम 2:30 बजे सैशन लाना सी मैं सवेरे गया मैं अपनी ओपीडी जाके करके 5-7,000 रुपया कमाया तो मैं इतने वापस फिर आ गया। पर कई एम एल ए इदा जे क्या जिन्हें कोई इदा का काम नहीं कि वह 2 घंटे 3 घंटे ला के पैसे कमा सकन पर क्यों लोगों इदा का मैसेज ला के चले गए कि जेडे एम एल एम पी चोर चक्के जी आ और मैं समझदा कि बड़ा बड़ा रोल जोड़ा आडा ही है। देखो पिछली बारी जी तनखाह आ मतलब एक मैं दसो जो बंदा सारे किस मैं बहुत लोग इदा ने मैं उन्होंने जानता कि जिन्हें को सिर्फ सरकारी जी सिक्योरिटी गड्डी दी ना उ उन्होंने को गड्डियां नहीं है उन्होंने को अपने घर नहीं है। लोगों को लगता कि भाई जो तुम कि एम एल ए बन गए लोग सोचते हैं कि तुम जी 1.5-2 करोड़ रुपया उस दिन मिल जाता तो तुम अपना घर उस वे अपना महल बना लें हो उस दिन तुम्हें 25-30 लाख रुपया मिल जाता अपनी गड्डी ले लें हो भी किन्ने क एम एल ए ने अपने घर बना लै तुम चलो ये बेचारे नवे हैं पुराने भी है तुम कि ने बनाए आप नहीं नहीं प्लीज जरा मैं इदा नहीं कहता मैं मैंने जो तुम कहना कहो उठ के खड़ खड़े हो कहो मैं चोर हाँ। मान साहब ने कहा कि पिछली बारी मैं हाथ जोड़ के वोटा मंगिया सियाँ मैं पिछली बारी भी हाथ जोड़ के नहीं मंगिया इस बार भी हाथ जोड़ के नहीं मंगिया लोग जे पानी उन्होंने पाए देने जे लोगों को पता डाट सुखी चोर है तो चोर है जे साधा सा लोगों को पता जे लोग हल्के तो लोग जानते सारा कुछ मेरी गल टोको ना। मैं ये गल कहना कि जी सा लिखा है जी पहला ही पेज वो लिखा हूँ जी इन्हों इन्ने करोड़ रुपया जन्ने लख रुपया लोन मिल सकता किसी मैंबर मिले अज तक वो कहते जी कार लैन लिये तुम्हें 20 लाख का लोन मिले किसी मिले मान साहब मैंबर तनखाह पता क्यों मिलती है हर डिपार्टमेंट बेशक वो किसी भी डिपार्टमेंट बेशक साडा चीफ सैकटरी आ बेशक वह इस स्टेट का पी एन आनू तनखाह मिल जाती है 1 तरीक न एम एल ए कदों मिलती है 18, 20, 30 तक नहीं मिली अजे तक नहीं मिली क्यों तुम ये मजबूर कर दौ कि असं हेराफेरी करिए क्यों तुम सूँ मजबूर कर दौ जी अपने हल्के का कोई चंगा जहा बंदा लिया के अपनी गड्डी सू रोटी भी खिलावे साढ़े सू ठहरन का इंतजाम भी करे क्यों असं इस सिस्टम च पैने जो भी देना तुम जो भी देना पर टाइम से तो दौ और मैं थोड़ा तो सी एम साहब बेनती करता तुम कले कले मैंबर बिठा के अंदर अज आप क्योंकि मैनू जिन्हें नहीं वोट पाई ना पावे डर सुखी ने आ गल गई सी इस गल की कोई चिंता नहीं पर जे असं गल करांगे ही नहीं असी अपने आप नूं चोर चक्के कही जाने कभी कोई देखिया कोई अफसर किसी दूजे अफसरों कहता भाई चोर चक्का। सो मेरी बेनती है हाथ फड़ के बेनती है इन्ना ना गराओ सानू जे असी माड़े होंगे लोगों ने सानू नकार देना बैठ पहला ज्यादा सी अज इधर बैठ गए हो सकता तुहाडे विच भी अगली बार तुसी इधर बैठे होवो ये समा आंदा जांदा रहना पर एक एम एल ए का कुछ तो कोई उहदी रिस्पैक्ट होवे तुसी कहना मतलब मैं 30 तरीक किसी मिल गए जी पे अब तुसी दस्सो किसी मिल गए किसी नहीं मिली क
देखो एक कोई एक सिस्टम जो जरूर लागू करो और मैं तुम्हें एक नुकसान दसदा भी वह 50,000 दे नहीं सके। और इस तरह अभी राजस्थान गए से उत्थे होया कि असी एक भैन जी शायद नाल सके साडे उत्थे एक मिल्क जड़ी बैंक वा उत्थे की है एक माँ जिहदा बच्चा उन्ना दुध नहीं चुंघदा वह अपना जांदी है वह अपना मिल्क डोनेट करती है और दूसरी माँ जो दुध नहीं निकलता वह उत्थों उस मिल्क बैंक चो वापस लेके आती है और साढ़े पंजाब च नहीं हैगी उधर होंदा की है जिहड़ा असी जात पात के चक्करां च पए हां ये फलाना हाई ये उच्ची जात का ये नीवी जात का पर जो जी माँ आ ना वो दुध लैन लिए खड़ी अपने बच्चे ने ना वो जात पात नहीं पुछती नहीं भी माँ का कि जात की सी जे वो एम एल ए जाते उत्थे जिहड़े पैसे को रह गए मैं समझता कि फिर असी भी पंजाब जाके गल रख दे कि साढ़े पंजाब जी गुरुआ पीरां की धरती है इत्थे भी मिल्क बैंक होनी चाहिए आ असी इन्ने एडवांस हाँ राजस्थान बहुत चित्तौड़गढ़ बहुत पिछे है सतो उत्थे मिल्क बैंक है साढ़े जिथे गुरुआ कहते उत्थे जात पात है ही नहीं असी अज तक मिल्क बैंक नहीं बना सके उहदा नुकसान क्यों होया सीएम साहब वो इस करके नुकसान होया कि उत्थे 3 MLजा सके बाकी बेचारे इत्थे रह गए उन्होंने पैसे ही नहीं जाने लई सो मेरी बेनती है कहिंदा मतलब किसी नूं कोई साधन है किसी बहुत लोग मैं जा पर मैं ना नहीं लैना चाहता मैनूं पता सकियां को साधन है मेरे को साधन है मेरी वाइफ कमा दी है मैं उतों ले लैंदा मैं आप कहिंदा मैं रोज़ 5-7 हज़ार रुपया कमा लैंदा मैं उतों खर्च लैंदा जिहड़ा MLA सिर्फ तो सिर्फ MLA ही आ तुसीं दसो 84,000 तुसीं गुजारा कर सकते मैनूं नहीं लगता सो बेनती है जी बदनाम जिन्हें मर्जी करी जाओ सारे की राय लै लो उन्होंने एक एक दो दो मिनट दे दौ ता कि कोई गल बन सके नहीं चोर चुके तो सानूं कही जाना जिन्हें कहना कही जाए बाकी असीं तां फिर एक बार बेनती करते इस पर विचार जरूर करो।